हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहनवाज और स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है रहबर आज़ाद। सॉरी, नाम हमने चेंज कर दिया है, अभी नाम है रहबर XYZ। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस चैनल में, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपके काम आए और आप लोगों का प्यार चाहने की उम्मीद रखता हूँ। हमारा चैनल अभी नया है, बहुत से लोगों का प्यार मिल रहा है और उम्मीद करते हैं आगे भी बहुत से लोगों का प्यार मिलता रहेगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको कुछ जानकारियाँ मुहैया कराऊँ ताकि जिससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा बेनिफिट हो सके। तो बने रहें वीडियो में ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो सकें। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, कोई समस्या है, किस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझे उसके बारे में, ठीक है? और कमेंट करके तो दोस्तों बताएं कि वीडियो अब हम चल दिए हैं अपने सफ़र पर, और ये जो हाईवे आप देख रहे हैं इसका नाम है NH 148B, जो चंडीगढ़ से लेके और नारनौल तक जाता है। चंडीगढ़ से लेके नारनौल को, और नारनौल से आप रोड ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी नारनौल से आगे सीधा चला जाता है हिसार वगैरह के लिए, जो पुराना रोड है। बाकी ये जो नया हाईवे बना है अभी, इसका जो अभी स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। और इस हाईवे पे जाते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हाईवे बहुत अच्छा है, टाइम की बहुत बचत होगी, लेकिन हाईवे पे चढ़ने से पहले गाड़ी का टैंक फुल करा लेना, क्योंकि लगभग 300 किलोमीटर के आसपास का ये हाईवे है, 300 किलोमीटर के आसपास, जिसके ऊपर कोई भी पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलेगा। आपको वहां से हाईवे छोड़ के नीचे जाना ही पड़ेगा, तब आप गाड़ी में डीजल पेट्रोल CNG भरा सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों के काम आए, मैं कोशिश करूंगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा, खाने का भी इस पर अभी कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो कृपया करके जब भी इस हाईवे पे चढ़ें तो आप खाने का और गाड़ी के खाने का दोनों इंतज़ाम करके चलें। बाकी तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके शायद काम आए, हो सकता है आपका कभी ना कभी उधर से जाना हो हाल फिलहाल में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।